हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैनन एडवांस 6575i में ADF में पिकअप का प्रॉब्लम आता है, तो इसके लिए हम पिकअप फोम और रबर दोनों चेंज करेंगे। ये देखिए फोम है इसके, आज हम दोनों भी पिकअप और फोम चेंज करेंगे। सबसे पहले मशीन बंद करके हम साइड में ले लेंगे। मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट की है, आपको अगर डिटेल में देखना है तो यूट्यूब की सेटिंग में जाके प्लेबैक की स्पीड आप नॉर्मल पे करके देख सकते हैं। सबसे पहले ये ऊपर का कवर निकाल लेंगे। इस कवर को निकालने के बाद इसके ऊपर के जो रबर है उसके पूरे यूनिट को निकालेंगे। ये देखिए एक क्लिप है, ये लॉक के प्लास्टिक का, इसे निकाल लेंगे। इस रोलर को निकालना है हमें, ब्लैक रोलर को, और यहाँ से नीचे साइड से इसमें दो स्क्रू है जो फोम की फिटिंग के हैं, अभी नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ ऊपर साइड में एक दिख रहा है, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, वो वाले स्क्रू हमें खोलना है। तो सबसे पहले हम इस ऊपर वाले यूनिट को निकालेंगे और नीचे फोम के लिए ये जो हमारा ADF का जो पूरा मैकेनिज्म है उसको स्लो करने के लिए ये वाला यूनिट, तीन स्क्रू है, इसे खोल लेंगे। ये देखिए ये लूज़ हो चुका है, यहाँ से उसके हुक में से निकाल लेंगे और यहाँ पर एक लॉक लगा है, इस लॉक को हम खोल लेंगे, सी लॉक है। ये देखिए सी लॉक है, ये निकल चुका है। इसके बाद इस पट्टी को बाहर खींच के हम ADF को पूरा लूज़ कर लेंगे। ये देखिए ये निकल चुका है। इसके बाद हम ये दो स्क्रू है इसके, ये दोनों खोल लेंगे। ये देखिए ये इसका कवर है, अभी भी हमारा नहीं निकलेगा, इसके लिए हमें ऊपर से पूरा यूनिट निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी एक लॉक था, यहाँ पर एक लॉक, दोनों लॉक को निकाल के हम ये बुश निकाल लेंगे पीतल के। ये देखिए इसे थोड़ा ऊपर उठा के हमें बाहर खींचना है डिस्प्ले की तरफ। ये देखिए ये हमारा पूरा यूनिट निकल चुका है, अब हम फोम को आसानी से निकाल लेंगे। इसमें दो बेयरिंग होते हैं, दोनों बेयरिंग को ब्रैकेट में से हटा के बाहर खींच लेंगे। ये देखिए अब इन फोम को हम चेंज करेंगे बेयरिंग निकाल के। ये न्यू है, ये हमारे फोम जो होते हैं ये कैनन IR5075 के जो ट्रे के पिकअप के फोम होते हैं वही लगते हैं इसमें। ये देखिए एक साइड से खाँचा होता है, ब्रैकेट में फिट हो गया है, बेयरिंग लगा दिया हूँ मैं। इसके बाद हम फोम को फिट कर लेंगे। ये देखिए दोनों बेयरिंग ब्रैकेट में बैठ चुके हैं। इसके बाद हम फोम के ऊपर वाले रबर को भी चेंज करेंगे, लॉक निकाल लेंगे, प्लास्टिक के लॉक निकाल लेंगे। उसके बाद बेयरिंग को भी लूज़ कर लेंगे। बेल्ट ऐसे निकलेगा नहीं, मैंने कोशिश की थी, हमें सामने के ये वाले रबर के भी लॉक निकालना पड़ेंगे, तो उससे थोड़ा लूज़ हो जाएगा और हमारे ये निकल जाएगा। इसके बाद इसका भी सी लॉक के प्लास्टिक का निकाल लेंगे। अब इस रबर को हम हाथ से खींच के बाहर निकाल लेंगे, इसकी जगह न्यू रबर लगा देंगे। ये हमारे पिकअप रबर है
IR5075 के ट्रे के पिकअप के रबर इसे बैठ जाते हैं, फोम और पिकअप के दोनों भी। पेच सेपरेशन के काम आते हैं और पिकअप के भी। रबर के जो डायरेक्शन है दोनों के सेम होना चाहिए, कोई भी डायरेक्शन हो। ये देखिए अच्छे से फिट हो चुके हैं। अब इसे वापस हम रॉड में लगाएंगे। ये देखिए खांचे हैं इस साइड से, थोड़ा सा घुमा के ये इसमें ब्रैकेट में बिठा देंगे हम इसे। ये देखिए लॉक हो चुका है, गियर के साथ घूम रहा है अब। इसके बाद जिस तरीके से खोला था उसी तरीके से हम इसे बिठा देंगे। इन बुश में ब्रैकेट बना होता है, सेम उसी ब्रैकेट के हिसाब से आपको घुमा के बुश बिठाना है। ये देखिए बुश बैठ चुका है। इसके बाद इसका सी लॉक लगा देंगे हम। दूसरी साइड से भी इसका ब्रैकेट में बिठा देंगे बुश। एक साइड बुश की राउंड होती है और दो साइड से प्लेन होता है, उस हिसाब से आपको बुश बिठाना है। इस साइड से हम अंदर लगा के पहले बेयरिंग अंदर लगा देंगे। और इस रॉड में भी एक ब्रैकेट बना होता है जो हमारे प्लास्टिक की वाइट वाली नॉब में जाएगा, यहाँ पर जहाँ मैं बुश को सरका रहा हूँ वहाँ पर। ये देखिए ये अंदर जा चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर भी हम सी लॉक लगा देंगे प्लास्टिक वाला। ये देखिए दूसरी साइड भी हम बुश लगाएंगे उसी तरीके से। ये देखिए बैठ चुका है हमारा बुश। अब इस पे सी लॉक लगा देंगे हम प्लास्टिक वाला। ये हमारा दोनों रबर बैठ चुके हैं। अब ADF की जो ट्रे है पेपर ट्रे, इसे लगाएंगे। उससे पहले इन स्प्रिंग्स को लगाएंगे। ये दो स्प्रिंग है इसके। और हमारे फोम का जो ब्रैकेट था इस वाले लॉक को लगा देंगे। इसके भी दो स्क्रू है। अब उसके बाद इस ट्रे को हम फिट करेंगे जो हमने ट्रे खोली थी। यहाँ पर नीचे एक पट्टी है, इस पट्टी को थोड़ा सरका के हम उसके ब्रैकेट में लगाएंगे। मेटल की पट्टी है, उसमें रॉड है। अब इसके ऊपर का ये जो यूनिट है, जो पेपर की ये ट्रे है, ऊपर करने के बाद जब नीचे आती है तो उसे स्लो लेकर आती है। ये वाले हिंजेस जो है, इसमें सिलिकॉन जेल होता है जो हमारी ट्रे को गिरने से बचाता है। इसके तीन स्क्रू है, इसे भी लगा देंगे।
यार थिंग के वायर के साथ एक है ब्लू वायर, उसका स्क्रू, और एक यहाँ अंदर स्क्रू है। इसके बाद इसके ऊपर का कवर रह चुका है, इस कवर को भी लगा देंगे। इसके भी तीन स्क्रू है, तीनों स्क्रू फिट कर लेंगे, ये दो और एक यहाँ पर। मशीन चेक कर लेंगे हम चालू करके। दोस्तों मेरे चैनल बाबा फिक्स पे आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, प्रिंटर्स, जेरोक्स मशीन, इंकजेट प्रिंटर, अब हम मशीन चालू करके इस पे ADF से हम पेपर पिकअप हो रहा है या नहीं बराबर स्कैन करके देखेंगे। मशीन चालू हो रही है हमारी, ये देखिए ADF में मैं पेपर लगा रहा हूँ और बोथ साइड मैं स्कैन करूँगा इसको। ये देखिए यहाँ पर मैं जॉब बिल्ड पर रख देता हूँ, मुझे कॉपी नहीं चाहिए, सिर्फ चेक करना है हमें। देखिए पेपर लिफ्ट हो चुके हैं, ट्रे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए हमारा प्रॉब्लम निकल चुका है, इसमें पिकअप का प्रॉब्लम आ रहा था, पेपर पिकअप नहीं हो रहे थे बराबर, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो कैनन एडवांस 6575i का। इस मशीन में हमने इसके ADF के जो पिकअप और फोम होते हैं, ये इनके बॉक्स है, वो हमने चेंज किए हैं, और ये फोम हमारा रबर और फोम। दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बाबा फिक्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।